बढ़ते प्रदूषण के बीच राजधानी दिल्ली में आग ने तबाही मचाई है। दिल्ली में सोमवार देर रात दो जगहों पर भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मीना बाजार में करीब 150 दुकानें जलकर खाक हो गई, तो वहीं सदर बाजार में 300 से ज्यादा झुग्गियां आग की चपेट में आ गईं। पहले उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक झुग्गी बस्ती में आग ने तांडव मचाया। बताया जा रहा है कि यहाँ पटाखों के गोदाम है, तो वहाँ पहले आग लगी, फिर कई गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। आग इतनी भयानक थी कि इसने धीरे धीरे पूरी झुग्गी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में करीब 300 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और तकरीबन 700 लोग बेघर हो गए। इस आग में कम से कम 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं दूसरा बड़ा हादसा दिल्ली की मशहूर तिब्बती मार्केट में हुआ है, जिसमें 150 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आपको बता दें कि तिब्बत से आकर लोग जामा मस्जिद के पास दुकानें कई साल से लगा रहे थे, लेकिन देर रात हुए इस हादसे ने लाखों का सामान स्वाह कर दिया है। तो दिल्ली में आधी रात लगी भीषण आग ने जहां कई लोगों की रोजी रोटी छीन ली है, तो वहीं कई लोगों को बेघर भी कर दिया है। यहां 4 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है। देखते रहिए डीबी लाइव।